हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस की, इसको हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस है क्या? तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, एक जस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ना कि लेजर अकाउंट है। और ये क्या करता है, यह जो भी बैलेंसेस होता है लेजर्स अकाउंट का या कैश बुक का, वह क्या करता है, उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। इसे ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बनता कब है? तो ट्रायल बैलेंस जब भी कोई बिजनेसमैन अपना जर्नल एंट्रीज, सारा लेजर, सब्सिडरी बुक और कैश बुक बनाने के बाद जो भी लेजर अकाउंट में, ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो भी आता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज पे, एक्सपेंस पे और इनकम पे। उसके अनुसार ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस रिटर्न करना पड़ता है। और उसके बाद दोनों साइड अगर इक्वल है तो इससे यह साबित होता है कि जो भी लेजर अकाउंट बिजनेसमैन या बिजनेस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, वह सही है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर्स है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। यानी ट्रायल बैलेंस का जो फर्स्ट फीचर है कि यह लेजर और कैश बुक का बैलेंस शो करता है। सेकंड नंबर, इट इज़ द जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। यानी जो ट्रायल बैलेंस अकाउंट है वह क्या है, एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है। थर्ड नंबर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। यानी जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वह आप साल में किसी भी समय, ठीक है, या तो आप 10 दिन पर बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं 3 महीने पर, हाफ ईयरली 6 महीने बना सकते हैं, या साल में एक बार आप बना सकते हैं। जैसा आपका बिजनेस होगा उसके अनुसार आप बना सकते हैं। अगर स्मॉल बिजनेस होगा तो वह हाफ ईयरली या मंथली बनाया जाता है। अगर आपका बड़ा बिजनेस होगा तो आप मंथली मंथली भी बना सकते हैं। फोर्थ नंबर में बात करते हैं चेक अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। यानी यह क्या करता है, जो भी लेजर अकाउंट का जो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होता है कि वो गलत है या सही है, जो भी मैथ्स होता है, ठीक है, उसके एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस क्या करता है, चेक करता है कि सही है या एरर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने नोटबुक में इस फीचर्स को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। फिफ्थ है, अ टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस सर्टेन टाइप ऑफ एरर रिमेन्स। मान लीजिए कि जो भी ट्रायल बैलेंस टैली करता है वह कोई प्रूफ नहीं है कि वह एक्यूरेसी ही है, यानी सही पाया गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन अगर लेजर अकाउंट बनाता है तो अगर कोई अमाउंट 50,000 से कोई गुड्स खरीदा जा रहा है, ठीक है, और उस अमाउंट को 50,000 की जगह अगर कोई अकाउंटेंट या जो भी लेजर बना रहा है उसके जगह अगर 5,000 लिख देता है तो वह लेजर में उतना ही अमाउंट शो करता है। फिर उसी अमाउंट को, ठीक है, उसी अमाउंट से जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है किसी भी लेजर का, तो उसी क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लाकर लिखते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस तो सही शो करेगा, ठीक है,
टैली कर जाएगा, लेकिन जो बैलेंस है वो गलत रह जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग लेजर बनाते हैं, कैशबुक बनाते हैं, या जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो डबल एंटर सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो एक अमाउंट अगर डेबिट में जाएगा तो दूसरा अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो जिस तरह हमने 50,000 अमाउंट को 5,000 अमाउंट डाला होगा लेजर में, वो हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में डाला होगा, जिससे क्या होगा, लेजर अकाउंट मेरा सही बना, ठीक है, उससे मेरा ट्रायल बैलेंस भी सही बन गया, लेकिन जो अमाउंट है अमाउंट में एरर आ गया। इसलिए जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, लेकिन यह कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का, यानी जो भी आपका लेजर अकाउंट है, वो सही ही पाया जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, यानी ये क्या करता है कि लेजर का जो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको क्या करता है, सही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, टू हेल्प द लोकेटिंग एरर, यानी जो भी लेजर या जो भी कैश बुक में जो भी एरर्स होता है उसको क्या करता है, लोकेट करता है, ठीक है, यानी फाइंड आउट करने में मदद करता है। थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव है कि टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट, यानी जो भी लेजर का जो समरी होता है वह ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही बनता है, ठीक है। फोर्थ नंबर में है, यहाँ पर होगा आपका टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी जो ट्रायल बैलेंस होता है आफ्टर जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो भी बैलेंस आता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग PL ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाते हैं, जो किसके हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनता है। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस का, कि क्या है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, नेम ऑफ द अकाउंट, यानी जो फर्स्ट में होता है यहाँ पर, वो आपका नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी अकाउंट्स है, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, ठीक है, ये सारा इसमें लिखा जाता है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम होता है वो लेजर फोलियो का होता है, ठीक है, और जो थर्ड कॉलम होता है वो डेबिट अमाउंट का होता है। जो भी डेबिट अमाउंट होता है, मान लीजिए कैपिटल हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है या क्रेडिट बैलेंस शो करता है, उस पर डिपेंड करता है। कैश बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है या क्रेडिट बैलेंस शो करता है, वो डिपेंड करता है। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कभी कभी या डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, लेकिन 99% जो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। कैश अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। परचेज अकाउंट, जब भी हम मान लीजिए गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो परचेज हमारा डेबिट होता है, ठीक है, और अगर हम उधार ले रहे हैं तो जिससे हम उधार ले रहे हैं उसके नेम को, यानी जो क्रेडिटर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, या अगर हम कैश से ले रहे हैं तो कैश वाज गोज आउट तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अगर आपको गोल्डन रूल्स या अमेरिकन रूल्स याद है तो ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको भी हम लोग डेबिट करते हैं। उसी तरह सेल्स होता है, जो परचेज का जस्ट अपोजिट होता है, कि जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी गुड्स को बेचता है, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो पैसा कम्स इन, तो डेबिट वाज कम्स इन, यानी पैसा आया तो कैश अकाउंट को डेबिट किया, और सेल को क्या किया, जो हम प्रोडक्ट बेचे उसको हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल को क्रेडिट करते हैं, तो सेल को यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बुक्स में, अब एनसीईआरटी बुक्स में, उससे अब समझते हैं कि कौन कौन से अकाउंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट को देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में आ जाइएगा आप लोग, एनसीईआरटी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चलते हैं पहले फॉर्मेट में, फॉर्मेट को समझते हैं। तो ये है फॉर्मेट, नंबर ऑफ अकाउंट इसमें दिया गया है, तो वन बाई वन देखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला जो अकाउंट है यहाँ पर वह है कैपिटल अकाउंट,
तो कैपिटल अकाउंट मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कैपिटल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट को, ठीक है, या एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है जो क्रेडिट होता है। जैसे आपने पिछले क्लास में जनरली पढ़ा होगा कि जब भी कोई इंडिविजुअल यानी सोहन अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल होता है, ठीक है। तो कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसलिए यहाँ भी क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है लेजर में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग की। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है हमारा, तो यह क्या करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, इस चलते इसको हम लोग डेबिट साइड में डालते हैं ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट्स है, इसको भी डेबिट करते हैं। इक्विपमेंट्स, ये भी एसेट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी डेबिट साइड में शो करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्स्चर डेबिट साइड में होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर अकाउंट्स, बिल्स रिसीवल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डेबिट बैलेंस में शो करता है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेजेस, कैरिज इन वार्ड, कैरिज आउटवर्ड, क्रेडिट बैलेंस में शो करता है। तो कैरिज इन वार्ड होता क्या है, तो कैरिज इन वार्ड तब होता है जब मान लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन कोई भी रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, तो उसको लाने की, ठीक ना, लाने का जो खर्च होता है, कैरिज मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च होता है, वो क्या होता है, परचेज पे ही ऐड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर फ्रिज खरीदते हैं, ठीक है, तो फ्रिज को लाने पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो फ्रिज के अमाउंट में ही ऐड होता है, इसलिए यह क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्च होता है, इसलिए इसको यह बिजनेस क्या करता है, डेबिट करता है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड जस्ट लाइक कैरिज इनवर्ड का उल्टा होता है। जैसे कैरिज इनवर्ड में हमने परचेज किया किसी भी रॉ मटेरियल से, किसी भी होलसेलर से, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है वो क्या करता है, बिजनेसमैन वहन करता है यानी अफोर्ड करता है उसको, उस प्रोडक्ट को लाने में, तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। उसी तरह कैरिज इनवर्ड क्या होता है, जस्ट लाइक उल्टा होता है, ठीक है। जब भी कोई बिजनेसमैन अगर सेल करता है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी खर्च लगता है, ठीक है, वो क्या करता है, बिजनेस के लिए भी खर्च होता है, तो इसको इसलिए डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो सेल करने के बदले में क्या आता है, कैश आता है, तो कैश को डेबिट करता है। और बिजनेस से क्या जा रहा है, जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं वो क्या जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, चलते उसको हम लोग जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं उसको सेल्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वह क्रेडिट होता है। सेल्स का जस्ट अपोजिट है सेल्स रिटर्न। मान लीजिए हमने प्रोडक्ट बेचा और कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है या टूट फूट जाता है भेजने के दौरान, तो क्या होता है, वो क्या करता है, कस्टमर उस सेल को यानी उस प्रोडक्ट को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो सेल जब हम क्रेडिट करते हैं, माल बेचते हैं, तो उसी तरह जब भी कस्टमर के द्वारा रिसीव करेंगे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। परचेज रिटर्न, परचेज जस्ट परचेज रिटर्न का उल्टा होता है। परचेज में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन किसी से प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो परचेज को डेबिट करते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि परचेज रिटर्न कब हुआ, तो मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन यानी हैंडेड लैपटॉप्स खरीदा, तो मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई भी लैपटॉप डिफेक्टिव हो गया, टूट गया, तो बिजनेसमैन क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो रिटर्न करता है तो बिजनेस से क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट यानी जो भी एसेट्स है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेड की, तो इंटरेस्ट पेड क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है जो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। तो इंटरेस्ट जब भी पे करते हैं तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। कमीशन भी एक्सपेंसेस रिलेटेड होता है, सैलरी हो गया, ये सब क्या है, एक्सपेंस होता है जिसको डेबिट करते हैं। और अगर कोई भी डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक ना, अगर डिस्काउंट पेड कर रहे हैं तो ये तो एक्सपेंस है, लेकिन अगर किसी से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो यह क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसी तरह कमीशन डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। अगर कमीशन पेड कर रहे हैं तो डेबिट करते हैं, कमीशन अगर रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए फायदा है तो वह क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म लोन, लोन जब भी कोई बिजनेस लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, यह लाइबिलिटीज होता है और इसे बिजनेस क्या करता है, क्रेडिट करता है, क्योंकि यह हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। बिल्स पेबल भी क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट हो गया,
एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया, ये सब क्या है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ड्राइंग हो गया, ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑनर यानी जिसका बिजनेस है, वो ऑनर क्या करता है, अपने पर्सनल खर्च के लिए कैश या कोई प्रोडक्ट को यूज करता है, उससे क्या होता है, ड्राइंग होता है। तो क्या होता है, इसे यह हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, ट्रायल बैलेंस के फीचर्स के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस का, फॉर्मेट क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस कितने तरह से बनते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी बुक्स में हम देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो टाइप है वो थ्री टाइप्स है ट्रायल बैलेंस का। पहला है टोटल मैथड, दूसरा है बैलेंस मैथड, और थर्ड है हमारा टोटल्स कम बैलेंस मैथड। यानी जो थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकेंड का। सबसे पहला जो मैथड है टोटल मैथड्स। तो टोटल मैथड होता क्या है कि जब भी हम टोटल मैथड बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, तो जब भी हम टोटल मेथड फॉलो करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस एक डिफरेंट फॉर्म में बनता है, ठीक है, बैलेंस मेथड से। तो टोटल मेथड कैसे डिफरेंट है बैलेंस मेथड से, तो टोटल मेथड्स में जो अमाउंट हम लोग डालते हैं, ठीक है, जो भी लेजर्स का या कैश बॉक्स का, वो कौन सा डालते हैं, जो भी लेजर अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसका जो टोटलिंग अमाउंट होता है, ठीक ना, दोनों साइड का, ठीक है, ना कि बैलेंस का, जो भी टोटल अमाउंट का जो होता है टोटलिंग का, तो वह बैलेंस को यानी वह अमाउंट को हम टोटल मेथड में डालते हैं। इसको और समझेंगे अच्छे से आगे एग्जांपल में, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते इसको। तो और यह जो टोटल मेथड है यह ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, यानी ज़्यादा जो बिजनेसमैन है ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो टोटल मेथड है वह सही सही क्या करता है, एक्यूरेसी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो शो नहीं करता है, ठीक है, इसलिए बिजनेस में इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं बैलेंस मेथड की, बैलेंस मेथड होता क्या है। तो बैलेंस मेथड वैसा मेथड है ट्रायल बैलेंस में जिसमें जब भी आप जो लेजर बनाते हैं, लेजर, ठीक है, या कैश बुक हो गया या सब्सिडरीज बुक हो गया, तो उसमें जो टोटल अमाउंट होता है उसको नहीं इसमें लिखते हैं, ठीक है, जो भी बैलेंस शो करता है, बचा हुआ जो बैलेंस है। यानी अगर हम बात करते हैं कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट एक हो गया रिसीव वाला, जैसे मान लीजिए हम रिसीव कर रहे हैं कैश, और एक हो गया पेमेंट वाला, ठीक है। तो अगर आपका रिसीव ज़्यादा है और पेमेंट कम है, तो एक बैलेंस शो करता है, ठीक है, डेबिट साइड में, ठीक है। तो उस बैलेंस को हम लोग बैलेंस मेथड में रिटर्न डाउन करते हैं, ठीक है, उसी को बैलेंस मेथड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो और इसका अलग से बनाकर डाल दूंगा। और यह जो बैलेंस मेथड है यह सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में, यानी सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन है इस बैलेंस मेथड को ही यूज करते हैं अपने बिजनेस में। इसलिए जो मेनली जो हमको पढ़ना है आगे भी, इसी मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ना कि टोटल मेथड से। थर्ड नंबर में बात करते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। जैसे हमने टोटल मेथड पढ़ा, बैलेंस मेथड पढ़ा, जस्ट लाइक टोटल कम बैलेंस मेथड क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, टोटल का और बैलेंस का। इसलिए जो भी हमने बात किया टोटल एंड बैलेंस में, तो उसी तरह इसमें जब इसके थ्रू हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, तो जैसे टोटल बैलेंस बनाते हैं टोटल अमाउंट से, और बैलेंस मेथड के थ्रू जो भी हम बैलेंस बचता है लास्ट में उससे हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसमें दोनों मेथड यूज होकर टोटल कम बैलेंस मेथड का ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, और इस मेथड को भी ज़्यादातर बिजनेस में यूज नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको थ्योरी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।